वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइंस। मेरा नाम है सोएब और दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। हालांकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे 12:13 पे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो हो सकता है कि आपको सुबह में अपलोड मिली होगी और आप सुबह में इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप सभी का प्यार है कि दोस्तों ये सबसे पहले अपडेट आई, मैं सबसे पहले आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो आपको सुबह में भले ही आप देख पा रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस प्यार का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी आपको इशूज़ आती है इस चैनल से रिलेटेड, आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो पर आप बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, आई मीन्स लाइक ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट से दुगना इस पे लाइक होना चाहिए और चैनल पे अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। अभी फिलहाल के लिए दोस्तों जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, एक स्टूडेंट ने मुझे अभी स्क्रीनशॉट भेजा, तो मुझे लगा आप तक ये वीडियो पहुंचा देना चाहिए। यहां पर देख पा रहे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप इंसेंटिव स्कीम यू हैव सेलेक्टेड इज नॉट ओपन फॉर रिन्यूअल सबमिशन। और ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये ईशान उदय स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट है, इवन नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल फेलोशिप वाले स्टूडेंट भी ये प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। पहले यहाँ पे इनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा था, लेकिन अभी इनका पूरी तरीके से यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये आने लगा है। अब स्टूडेंट सबसे मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम ये कर रहे हैं, सबसे मेजर उनके साथ चैलेंजेस ये आ रहा है कि फॉर्म को तुरंत विड्रॉ कर दे रहे हैं बिना सोचे समझे। तो मैं दोस्तों आपसे बता देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, फिर मैं बताऊँगी प्रॉब्लम है या क्या है, क्या चीज़ है, कैसे सॉल्व होगा, वो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो स्कीम वाले स्टूडेंट के लिए आ रहा है उसका एक बार लाइव स्टेटस दिखा देते हैं। ये तो रही स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पे मैं स्टेटस यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और लॉगिन ऑलरेडी मैंने कर लिया। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है स्कॉलरशिप इंसेंटिव स्कीम यू हैव सेलेक्टेड इज नॉट ओपन फॉर रिन्यूअल सबमिशन। मतलब कि जो ये ईशान उदय स्कॉलरशिप का ये बेसिकली स्टूडेंट है, मतलब क्या है ये, मतलब स्कीम ओपन नहीं है, अब ये हट गया। अब मैं फिर से ये रिन्यूअल एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, ये ओपन हुआ, फिर ये आ गया ऑप्शन। मतलब कि कहने का मतलब इसका ये है कि अब जो स्कीम में जो आप अप्लाई कर रहे थे वो अब ओपन नहीं है। चलिए भाई साहब, मैं एनएसपी स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आ जाता हूँ और ये बेसिकली मुझे पता है कि ईशान उदय स्कॉलरशिप जो होती है स्कीम ऑन एनएसपी पे मैं क्लिक करता हूँ और ये बेसिकली यूजीसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने क्लिक किया, ईशान उदय स्कॉलरशिप मिला। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ स्कीम ओपन क्लोजिंग डेट 31 अक्टूबर है। और भाई कौन सा नशा करके बैठे हुए हैं कि भाई साहब ये पहले ही डेट को क्लोज यहाँ पे दिखा रहा है, ये क्या है? तो बेसिकली ये टेक्निकल एरर है, ये बेसिकली टेक्निकल एरर है। नेशनल फेलोशिप का स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी 31/10/2024 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पे आ रहा है ना, तो अब ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन है, विड्रॉ एप्लीकेशन कर देता हूँ और फिर से मैं फ्रेश अप्लाई कर देता हूँ। तो भाई साहब, दुनिया की सबसे बड़ी गलती आप करने जा रहे हो, विड्रॉ को भूल के भी नहीं करना। अगर ये कर दिए तो फिर आपका सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलिए मैं आपको गाइडलाइंस के माध्यम से बिल्कुल फैक्ट चीजें बोलता हूं, अपने मन से कोई अपने घर से बातें नहीं बोलता हूं, काफी रिसर्च करने के बाद से ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो हर एक चीज आपसे रिसर्च करते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि मैं आ गया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर और जैसे कि यूजीसी में आ जाता हूं, यूजीसी में यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर ईशान उदय स्कॉलरशिप का पहले चेक कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन एफएक्यू पे क्लिक करता हूं। तो चलिए एफएक्यू मैं ऑलरेडी ओपन करके आ गया हूं। यहां पर देख सकते हो, यहां पर साफ साफ क्लियरली मेंशन है आर ओनली फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एलिजिबल टू अप्लाई। तो नीचे आंसर में क्या लिखा हुआ है, यस ओनली दोज स्टूडेंट हुए पास क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ क्या कहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। मतलब कि अगर लास्ट ईयर आपने अप्लाई किया था तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप चाहोगे कि इस साल विड्रॉ करके फिर सेकेंड ईयर में अप्लाई करें, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो एलिजिबल हो सकता है ईशान उदय स्कॉलरशिप पर, जो सेकेंड ईयर में फॉर्म फिल करे और ईशान उदय स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहा हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको पहली बात विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि एनएसपी ने साफ यहाँ पे बता दिया गाइडलाइंस में ईशान उदय स्कॉलरशिप का कि भैया अगर आप विड्रॉ करोगे तो फिर आप 4 साल तक की आपकी पूरी बैन हो जाएगी स्कॉलरशिप, 4 साल तक एलिजिबल नहीं होगे। क्योंकि आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाओगे तो फर्स्ट ईयर की डिटेल्स तो फिल नहीं करोगे, अगर फर्स्ट ईयर फिल भी कर दिए एलिजिबल भी हो गए तो फर्स्ट ईयर की फी रिसिप्ट कहाँ से लाओगे? फर्स्ट ईयर की फीस रिसिप्ट ला लोगे तो आपके कॉलेज के इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर तो पागल तो है नहीं कि वो आपका वेरीफाई कर लेगा, वो कहेगा भाई तू सेकेंड ईयर में पढ़ता है तो फर्स्ट ईयर का क्यों डिटेल्स फिल कर रहा है, तो वो फॉर्म आपका वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर वो कर भी देता है डिस्ट्रिक्ट पर जाएगा, हर जगह कहीं ना कहीं से मतलब वो आपका रिजेक्ट होने वाला है पूरी 110%। तो कुल कहने
कहने का मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट इस तरीके का प्रॉब्लम से जूझ पा रहे हैं ना, ये बेसिकली टेक्निकल ग्लिच है। क्योंकि अभी देख पा रहे हो कि आपके सामने दिखाया है सारे स्कॉलरशिप की डेट पूरी तरीके से ओपन है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेट विल बी क्लोज, तो अभी क्लोज नहीं है, तो अभी आपका वेट करना है। हो सकता है कि ये टेक्निकल इशू है और हो सकता है 24 to 48 आवर्स के अंदर ये रिजॉल्व हो जाएगा। पहले नो रिकॉर्ड फाउंड का ये प्रॉब्लम दिख रहा था, लेकिन अभी फाइनली हट के और ये आ गया, तो इट माइट बी चांसेस कि ये प्रॉब्लम भी हट के और फाइनली सबमिट जिन स्टूडेंट का नहीं हो रहा था वो भी इजिली यहाँ पे कर पा रहे होंगे। अब फिलहाल के लिए जिन स्टूडेंट का इस तरीके का स्टेटस आ रहा है ना, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली बेसिस पे अपना स्टेटस चेक करते रहो। और अभी बताओ कि जो स्टूडेंट का नो रिकॉर्ड फाउंड, अभी देखोगे ना इस कमेंट सेक्शन में, यू आर नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में देखोगे भाई, आप बताना जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्या आपका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जाके कमेंट में देखोगे कि सारे स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम आ रहा है। इवन नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं इस साल, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन आपको मिले, हर चीज़ मिले, तो जैसे ही इसका सोल्यूशन या कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको स्टेटस ऑन टाइम करके, और पता ही है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की सर्वर कैसी है, तो फटाक से अपने एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर लीजिए ताकि आपको कोई इशू नहीं हो, ठीक है। जैसे ही फाइनल सब ये सही हो जाएगा, मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें किए होंगे, तो तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारे स्टूडेंट इतने एक्टिव हैं, और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी। तुरंत आप वीडियो चेक करोगे, स्टेटस चेक करोगे, फाइनल सबमिट कर लोगे, तो ये सबसे बड़ी तरीका है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ पे अपना फॉर्म खुद से नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा एक छोटा सा पोर्टल है, इस पोर्टल पे आप क्या कर सकते हो ना, आप अपने अकॉर्डिंग 15 मिनट का कॉल ले सकते हो, मैं खुद ही आपका फॉर्म A to Z मैं फिल करूंगा, अपने अंडर में 30 मिनट्स में आपका फॉर्म फिल करूंगा, जितना आप 30 मिनट्स में हो सके, 60 मिनट में जो भी मैं आपके फॉर्म के साथ कर सकता हूँ, या पूरे साल आप चाहते हो तो ये मेरे साथ मतलब ऐड होना, तो आप ये प्रोग्राम ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर ये भी आप एफर्ड नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रोग्राम वोग्राम सब कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूट्यूब वीडियो देख के हमारी सारी चीज़ें कर लेते हो, और अगर सिर्फ आपको गाइडेंस की नीड है, तो आप मुझे इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टा पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग की गाइड वहाँ पर मुझे मिलेगी, कि मैं कैसे आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप में कोई भी इशूज़ आ रही है, इवन बहुत सारे स्टूडेंट को बताता भी हूँ, तो आप वहाँ से आप हेल्प लेके वो चीज़ें कर सकते हो। बाकी आप खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर अदरवाइज आप कोई प्रॉब्लम में आ रही है नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल में गूगल मीट के थ्रू आप सारी चीज़ें प्रेजेंट करके मुझे दिखा सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मुझे लगा आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना चाहिए। दोस्तों अभी आप बताइए कि आपका भी कब से शो कर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।